हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी दोस्तों, विलेज स्टाइल में। और आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों हमारे ब्लॉग पे। और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा हमारा ब्लॉग मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ट कद्दू सब्जी बनाना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा ताज़ा कद्दू, और कुछ टमाटर है, धनिया पत्ता है। और हमारे गांव देहात में बहुत ही चाव से बनाया जाता है कद्दू हो या कोई भी सब्जी। तो आज हम लोग कद्दू की सब्जी बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं अच्छी तरह से, छोटा छोटा पीस सब्जी के लायक। देखिए दोस्तों, हम लोग कद्दू को काटते जा रहे हैं हम लोग इस तरह से, और रखते जा रहे हैं ये देखिए। और जो हरा पीला ये छिलका है, उसको चाहे तो आप रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, पसंद नहीं है तो। हम लोग छिलका के साथ में ही बना रहे हैं ये देखिए। और इस तरह से छोटा छोटा काटते जा रहे हैं हम लोग, और देखिए इसी तरह से। चलिए सभी को काट लेते हैं हम लोग, और देखिए दोस्तों, हम लोग सभी कद्दू को काट लिए। और चलिए अब स्वादिष्ट सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं कद्दू का। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कढ़ाई रख लिए हैं और तेल डाल लेते हैं, अब सब्जी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए तेल डाल लिए, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे हम लोग। और देखिए दोस्तों, हमारा तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ दाने जीरा के डाल लेते हैं ये देखिए, और लहसुन डाल लेंगे ये देखिए, और प्याज डाल लेते हैं, और हरा मिर्च, और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और कुछ देर भून लेते हैं। ये देखिए, और चलिए कुछ देर लाल होते तक भून लेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारा प्याज लहसुन ये सभी अच्छी तरह से भुना गया है, और अब कद्दू को फाइनली डाल लेते हैं भूनने के लिए। ये देखिए, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिल गया है दोस्तों, और कुछ देर चलिए भून लेते हैं कद्दू को। तो देखिए दोस्तों, हमारा कद्दू बिल्कुल अच्छी तरह से भुना गया है, और इसमें चलिए अब नमक मिर्च मसाला ये सभी डाल लेते हैं हम लोग। और ये देखिए नमक डालिए, आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा स्वाद के अनुसार। और ये रहा हल्दी, और हम लोग थोड़ा तीखा और चटपटेदार खाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं। और ये रहा मिर्च, ये देखिए हम लोग हल्का सा मसाला डाले हैं इसमें, और मिला लेंगे अच्छी तरह से अब। ये देखिए, और देखिए अच्छी तरह से मिल गया हमारा मसाला नमक कद्दू में। और फाइनली अब हम लोग टमाटर भी डालेंगे ये देखिए, और मिला लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। और हल्का सा इसमें पानी छींच के हम लोग पका लेते हैं कुछ देर। देखिए ये रहा, हल्का सा पानी डालें ताकि टमाटर भी गल जाएगा और कद्दू भी लगभग पक जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग हल्का सा दही डालेंगे खटाई के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारा कद्दू लगभग पूरी तरह पक गया है, पानी डाल दिए थे हम लोग, और हल्का सा घर का देसी दही हम लोग डाल रहे हैं ये देखिए। और इसमें हल्का खटाईपन है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और पूरी तरह से कद्दू पक गया, और इसमें 5 मिनट और पका लेंगे हम लोग दही के साथ में। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा रेसिपी कैसे लगता है दोस्तों। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से अब मिला लिए हैं हम लोग, और चलिए कुछ देर और पका लेते हैं अब।
तो देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है, कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी। और चलिए फाइनली अब चूल्हे से उतार लेते हैं हम लोग सब्जी को हमारा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चूल्हे से उतार लिए हैं हमारे सब्जी को, कद्दू की सब्जी को। आज हम लोग कद्दू सब्जी बनाए थे विलेज स्टाइल में, बहुत ही अच्छा। ये देखिए दही वाली कद्दू की सब्जी। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग कद्दू की सब्जी बनाए थे विलेज स्टाइल में। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।